विनेश फोगाट का बार बार ये एलिगेशन लगाना, आपको क्या ये लगता है कि ये एक खेमे में ये ट्रैप हो चुकी है और जो भी बोलेंगी वो अब हमला ही होगा? नहीं, मैं मेरा मेरा मानना है, अगर आपने देखो मेरा सीधी सी है, मैं ए और बी के तरफ नहीं बोलता, मुझे जो ठीक लगता है मैं कोशिश करता हूँ वो बोलूं। मैं कह रहा हूँ आपको भी पता है, उसने ट्रायल में भी ऐसा कुछ किया बता रहे हैं, क्योंकि ट्रायल में मैं था नहीं तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन वहां पे भी काफी शोर शराबा हुआ था। जब आप जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हें सब पता है ये, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ एक कोच, एक न्यूट्रल कोच जिसको मान लिया जाए, जिसको भी हम मानते हों एबीसीडी, ये जरूरी नहीं है कि वो इसका ही खास हो या किसी और का भी हो। जब हम तीन या चार कोच लेके जाते हैं, फिजियो लेके जाते हैं, तो एक आध कोई सपोर्टिंग स्टाफ है, कोई दूसरे जो मानने वाले हैं, जो या धरने पे जो बैठे थे लोग या जो भी है उनकी फेवर, उनका भी एक अगर हो जाता तो कोई बुरा नहीं था। आपने वही कोच रख लिए जो आपके पिछले कंटिन्यू 10-12 साल से चले आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये उनको भी करना चाहिए था। लेकिन ये विनेश जो कह रही है, ऐसा भी जुल्म कहीं नहीं हो रहा कि वो देखो पानी ना पीना, कोच को तो जाए, वो जो टीम के साथ गई वही जाना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन जो वो खाने की लिक्विड चीज है वो अपने लिए जा सकती है, मैं मेरी मेरी ये बोतल है, मैं इसमें से लूंगी, मैं दूसरे में से लूंगी। और इतने कोई वो कोच भी मुझे लगता नहीं कि इतनी बातों में आएंगे, वो मिला देंगे, इतने भी गिरेंगे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। पर मुझे पर्सनली फील नहीं होता कि इतने भी कोच गिर सकते हैं जितना वो कह रही है, कि कोई भी कुछ भी उसके उसमें भी मिला देगा या उसमें मिला देगा। बाकी ये मतलब ये चीजें हो नहीं सकती, ऐसा मैं नहीं कह सकता। और कोच इतना गिरेंगे कि तो कोच 10-12 साल से हैं, वो इनके साथ चले आ रहे हैं, बच्चों के साथ है, तो इतना तो मुझे नहीं लगता गिरना चाहिए था। इसकी तो प्रिकॉशन रख सकते हो,